नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। चैती छठ पूजा अररिया जिला में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छठ पूजा आपको बताते चले कि दिनांक 6/4/2022 से पूजा का आयोजन किया गया। देश में पहला पूजा बुधवार को किया गया, जिसमें घर का अर्घ पर्वति के द्वारा घर में दी गई। 7/4/2022 दिन बृहस्पतिवार को शाम का अर्घ त्रिशूलिया घाट नदी किनारे में दी गई। 8/4/2022 दिन शुक्रवार को सुबह त्रिशूलिया घाट में पर्व वेदी के द्वारा सुबह का अर्घ दिया गया एवं पूजा संपन्न की गई, जिसमें नारियल, केतारी, केला, ठेकवा, पुआ, पकवान, सेब, संतला इत्यादि फलों से पूजा की जाती है। अररिया लाइव के लिए अररिया से चंदन कुमार की खास रिपोर्ट। देखें पूरी वीडियो, धन्यवाद। अररिया लाइव न्यूज चंदन कुमार के साथ। तो सर, आज बताएंगे जो छठ पूजा की समाप्ति की गई, ये पूजा मतलब कितने दिनों के लिए किया जाता है और आज जो समाप्ति हुआ इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये छठ पूजा अररिया में प्राय 25% व्यक्ति मनाते हैं और हमारे त्रिशूलिया घाट में बहुत पवित्र सुंदर ढंग से छठ पूजा मनाए जाते हैं। और यह पर्व 3 दिनों का पर्व होता है। 6 तारीख को घर का अर्घ और खरना होता है। 7 तारीख को शाम का अर्घ नदी किनारे में सूर्य अस्त होने पर होता है और 8 तारीख को सुबह सूर्य उगने के समय में यह अर्घ होके और पूरी निष्ठापूर्वक समाप्त किया गया। और सभी अररिया वासियों को हमारे तरफ से छठ पर्व के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम हुआ नीरज कुमार निक्कू। मैं उप प्रत्याशी वाइस चेयरमैन भीसी का इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। सर, चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए अररिया लाइव में।